हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक व्हाइट कलर के प्लेन टी शर्ट को एक डिज़ाइनर टी शर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल 5 मिनट में, और ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देता है। तो आप किसी भी टी शर्ट को आप एक डिज़ाइनर टी शर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो टी शर्ट है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए या एक कलर का होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक्नोविज इंडिया। तो बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग पिक्सआर्ट ओपन करेंगे और प्लस आइकन पे क्लिक करके हम लोग एडिट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो एडिट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो व्हाइट कलर का टी शर्ट वाला इमेज है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और जो पिक्चर आप इस टी शर्ट के ऊपर ऐड करना चाहते हैं उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस पिक्चर को हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं। और एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो पिक्चर आप अपने टी शर्ट के ऊपर ऐड करना चाहते हैं वो बिल्कुल टी शर्ट के सेंटर में होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद इसका जो ऑपोसिटी है ऑपोसिटी को हम लोग कम कर देते हैं। तो ऑपोसिटी कम करने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको इरेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इरेजर पे क्लिक करके हम लोग जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो दोनों तरफ एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इन एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग धीरे धीरे इरेज कर देंगे। तो हम लोग इरेज कर देते हैं। जैसे इरेज किया जाता है इरेज करने के बाद टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए और ऑपोसिटी को बढ़ा दीजिए। ऑपोसिटी बढ़ाने के बाद आपका इफेक्ट जो है वो टी शर्ट के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप ऑपोसिटी को पूरा बढ़ा देते हैं, 100% कर देते हैं, तो इफेक्ट उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो उसके बाद ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप अगर ऑपोसिटी को बढ़ा देते हैं तो इफेक्ट उतना अच्छा आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस ऑपोसिटी को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए तो इफेक्ट बहुत ही अच्छा दिखाई देगा और नॉर्मल दिखाई देगा, नहीं तो आपका इमेज जो है वो एबनॉर्मल दिखाई देगा। तो अच्छी तरह से सब कुछ सेट हो जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ रोज़ाना ऐसा टेक्निकल वीडियो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय।